नमस्ते किसान, नमस्ते भारत। मैं किरण किसान, किसान पाठशाला के साथ कुछ आज बातें आपसे करना चाहता हूँ शेयर। आप देख रहे हैं मेरे पीछे पूरा धान की खेती है, और इस धान की खेती के रिगार्डिंग कुछ बातें आपसे आज थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। मित्रों, आप सभी जानते होंगे कि भारत के कई राज्य हैं जहाँ पर काफ़ी मात्रा में धान का फसल ली जाती है। आज की अगर बात करें तो पूरे भारत में धान सबसे ज़्यादा निर्यात हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है भारत से। मतलब इतना सारा उत्पादन हम ले रहे हैं धान का। पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है, एकमात्र ऐसी देश है जहाँ पर धान का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी होता है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होता है। गर्व की बात है हमारे लिए। लेकिन कुछ बातें हैं जो धान के खेती में आगे दिक्कत आएगी, या फिर अभी कुछ किसान है जो धान की खेती के लेकर समस्या आई है, उनमें दिक्कत आ रही है। सबसे पहली बात है उसमें समस्या की, दिक्कत की, कि जो हम धान की खेती आज कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, पारंपरिक तरीके से कर रहे हैं, वही आज हमारी समस्या बन गई है। मित्रों, जितना धान को पानी लगता है और जितना धान के खेत में पानी भरा रहता है हमेशा, उस वजह से क्या हो रहा है कि अपनी खेत की मिट्टी काफ़ी मात्रा में कड़क हो रही है, उसका पीएच बढ़ता जा रहा है। आजकल तो धान के खेत में भी काफ़ी सारा रासायनिक खाद, रासायनिक दवा का छिड़काव हो रहा है, यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से जो फसल आ रही है धान की, वो भी रासायनिक मात्रा में, मतलब रासायनिक अंश बहुत आते हैं उसमें, और ज़मीन पीएच का बढ़ता जा रहा है, कड़क होती जा रही है। अभी आज की कुछ दिनों पहले बात आई, हरियाणा के किसान जो धान की खेती छोड़ रहे हैं, खेती ही छोड़ रहे हैं, इतनी उसकी ज़मीन कड़क हो चुकी है, बंजर होने जा रही है। वहाँ की गवर्नमेंट ने भी अलाउ किया है कि जो धान की खेती नहीं करेगा उसे सालाना 7,000 रुपये गवर्नमेंट देगी। आप समझते होगे इसका परिणाम क्या होने जा रहा है। मैं केवल हरियाणा की नहीं बात करता, पूरे भारत में जहाँ जहाँ धान की खेती हो रही है, चाहे ओडिशा में हो, पंजाब, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान का कई भाग हो, गुजरात है, महाराष्ट्र का कोंकण रीजन है, आंध्रा, कर्नाटक, बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे जिलों में धान की खेती हो रही है। लेकिन जो पारंपरिक तरीके से आप धान की खेती कर रहे हैं, काफ़ी सारा पानी उसमें दे रहे हैं, उसके ऊपर ट्रैक्टर जैसे बड़े संसाधन चला रहे हैं, कटाई के लिए हार्वेस्टर चला रहे हैं, ज़मीन दबती जा रही है, प्रेशर उस पर आ रहा है, और गीला ज़मीन होने के कारण कॉम्पैक्ट होते जा रही है, कड़क होते जा रही है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपको कि आप धान की खेती छोड़ दो, धान की फसल लेना छोड़ दो, लेकिन कुछ तरीके हैं जो उसमें बदलाव की ज़रूरत है। अभी कई सारी ज़मीन आपने देखी होगी कि जितनी कड़क होती जा रही है, अपने किसान पाठशाला के चैनल पे भी कुछ वीडियो है कड़क ज़मीन होते जा रही है उसका। मैं ये नहीं कर रहा है आपकी कि आप धान लेना छोड़ दें या फिर धान की फसल लेना छोड़ दें, कुछ तरीके आपको बदलने पड़ेंगे। आप जो समझ रहे हैं कि धान को बहुत काफ़ी मात्रा में पानी लगता है, लेकिन कुछ क्षेत्र में कोई एग्रोनॉमिस्ट है, कोई ऐसे किसान है जो धान की खेती से जुड़े हुए और अलग तरीके से खेती कर रहे हैं, वो 4 फीट के बेड बनाकर नाली खींच के खाली नाली में ही पानी देते, पूरा खेत कभी पानी से नहीं भरते, वही भी धान हो रहा है। वो तरीका भी आप अपना सकते हैं। और दूसरा तरीका है, आप जो रासायनिक खाद ज़्यादा मात्रा में दे रहे हैं अभी ज़्यादा फसल लेने के लिए, कम समय में ज़्यादा फसल लेने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, आप धान तो मतलब धान की खेती में रासायनिक खाद तो कम नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, लेकिन रासायनिक खाद देने का भी तरीका बदल सकते हैं। जैसे किसान पाठशाला ने एक संशोधन किया है भट्टी खाद का, आप अगर कोई भी रासायनिक खाद, अगर भट्टी खाद की प्रोसेस कर आप धान की खेत में देते हो, तो फिर ज़मीन जो कड़क होती जा रही है रासायनिक खाद के कारण,
वो भी कम होगा, और जितना आप खाद दोगे वो पहले दिन से ही लगना चालू होगा, आपकी धान की फसल को कम मात्रा में लगेगा। जितना आप अभी दे रहे उससे आधा या फिर उससे पाव भी कर सकते हैं, 1/4 भी कर सकते हैं, और उसमें भी खेती हो सकती है, अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। और जो मैं एक बात अभी कहना चाहता हूँ कि जो स्प्रे करते हो आप धान की फसल में रासायनिक का, वो भी कंट्रोल हो सकता है, वो भी आप कम कर सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। उसके लिए विकल्प है हमारे पास VM स्प्रे का, मिट्टी का स्प्रे, आपने सुना होगा, जिनको मिट्टी का स्प्रे संशोधन जिन्होंने किया है उनको अभी पद्मश्री मिला है, श्रीमान CVR राव हैदराबाद से है। वो मिट्टी का स्प्रे वाइसोनोमेटा के साथ आप कर सकते हैं, तो उसमें आपका जो केमिकल है वो पूरा नष्ट हो जाएगा, मतलब पूरा रेसिड्यू फ्री हो जाएगा, उसकी उसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो भी बढ़ती जाएगी, और उसका टेस्ट भी अलग लगेगा आपको। कई रिसर्च पेपर ने संशोधन किया है ऐसा, कि कई रिसर्च पेपर ऐसे आए हैं कि जो रेसिड्यू फ्री का मिट्टी का स्प्रे वाला धान खाते हैं तो उनका प्रोटीन की मात्रा बढ़ने के कारण, जीवन सत्व उसमें बढ़ने के कारण, जो आँखों की रोशनी कम होती जा रही वो भी बढ़ती है, नंबर आपका चश्मे का नंबर कम होता है, और जो रतौंधी आती है, कई लोगों की रतौंधी की समस्या है वो भी कम हो रही होती है। ऐसे कई रिसर्च है कि मिट्टी का स्प्रे, भट्टी खाद और पानी देने का तरीका, ये तीन चीज़ें अगर आप धान की खेती में अप्लाई करते हो तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आपका रेसिड्यू फ्री धान जो आज 20-25 रुपए में बेच रहे हैं आप, उससे दुगना तिगना रेट से भी आप बेच सकते हो और अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। हम किसान पाठशाला ये प्रयोग कर रहे हैं, हम 60 रुपए से लेकर 120 किलो तक गेहूँ बेच रहे हैं, धान बेच रहे हैं, रेसिड्यू फ्री और पौष्टिक तत्व वाला और अच्छी टेस्ट वाला, आप भी कर सकते हैं। मैं सभी जितने भी धान की खेती करते हैं किसान, उन सब के लिए ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि आप किसान पाठशाला का जुड़कर कुछ अलग तरीके से धान की खेती कर सकते हैं। नीचे नंबर है, उस पर आप संपर्क करके किसान पाठशाला से जुड़ सकते हैं और धान की खेती में क्या आप कर सकते हैं वो आपको हम सिखाएंगे, बताएंगे, गाइडलाइन देंगे। उस पर जुड़े रहे किसान पाठशाला के साथ। नमस्ते।